हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि क्या आप सही पाथ पर हो, क्या आप सही रास्ते पे हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस भी मिलेंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हो। क्रिएशन, मिस्टिसिज्म, डिसिपेटिंग, प्रेयर्स, परसेवरेंस, balance, soulmate, joy, very nice, gossip, complacency, service, okay, patience, impatience, sorry, wow, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए, आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं, आपके लिए एनर्जीज आ गई हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हो। यस, सिंपल वर्ड्स, यस, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। रास्ते में कठिनाइयाँ दिख रही हैं मुझे, रास्ते में परेशानियाँ दिख रही हैं मुझे। आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। आप इस समय ना हो तो बहुत परेशान, हो तो बहुत दुखी, बहुत तड़प मुझे आपके अंदर दिख रही है, लेकिन फिर भी आप क्रिएशन में लगे हुए हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करने में लगे हुए हो। अब मुझे नहीं पता आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड्स देख के ना मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने में लगे हुए हो। हार नहीं मान रहे हो आप, हार नहीं मान रहे हो, और यही डिवाइन की मर्जी भी है कि आप हार ना मानो। यस, आपकी लाइफ में कुछ मिस्ट्री है, कुछ मिस्ट्री हो रही है, कुछ कुछ नेगेटिविटी है। यस, आप उससे परेशान हो, आप उससे दुखी हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, वो आप कितने भी परेशान रहो, कितने भी दुखी रहो, वो तो चीज जो है वो डेस्टाइंड है, वो होनी है, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ प्रारब्ध कर्माज हो, ठीक है, वो कर्माज के कारण जो नेगेटिविटी हो रही है वो होनी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपने अंदर बैलेंस लाइए, ठीक है। जो चीज होंगी ईश्वर से प्रे करते रहिए, आपको फाइट, जो भी परेशानी है, जैसे भी परेशानी है, हर इंडिविजुअल की अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है, आपको फाइट करने की आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर फाइट करने की ताकत है। जब आपके अंदर फाइट करने की ताकत है, भगवान का आपको सपोर्ट है, फिर आप निराश क्यों हो। ये निराशा से हटो, निराशा में रह के कुछ भी आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपको इसकी जरूरत है, बैलेंस लाने की जरूरत है, ठीक है। और एक और चीज, आपको बहुत जल्दी लगी हुई है, जल्दी, ये इंपेशेंस की एनर्जी जो आपकी तरफ से दिख रही है ना, बिल्कुल आप शांत हो जाइए, बिल्कुल इंपेशेंट नहीं होना है, सब चीजें राइट टाइम पर होंगी। देखिए, यहाँ पे आप, भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है,
आप कभी ऐसा होता होगा कभी एकदम स्काई में देखते होंगे तो कुछ ऐसे एंजेलिक विंग की आपको बादल दिखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे है एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं एक चीज बता दूँ, आपने दिन रात प्रेयर की है, आपने शायद बहुत मंत्रास का चैंटिंग किया है, हो सकता है आपने बहुत भगवान के सामने हाथ जोड़े हो। लोग अपनी अलग अलग क्या बोलते हैं, लोग अपनी अलग अलग विशेष मांगते हैं ना, कि मैं फॉर एग्जाम्पल 40 डेज तक कोई पर्टिकुलर टेम्पल में जाऊंगा या कोई टेम्पल में जाऊंगी, लोगों की सेवा करूंगी, चैरिटी करूंगी। जो भी कुछ किया है आपने, भगवान ने आपकी प्रेयर्स को सुना है, भगवान ने आपकी प्रेयर्स को सुना है, भगवान आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगे, भगवान आपकी लाइफ में डेफिनेटली खुशियाँ लाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें जल्दी होंगी, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। सिर्फ ईश्वर आपको इस समय ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए। और ये समय ऐसा है कि कितने भी दुख में हो, कितने भी तकलीफ में हो, कितने भी पेन में हो, किसी भी तरह की पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, घर में कोई बीमार है, चलते रहिए, रुकिए मत, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कोई भी पीड़ा परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ईमानदारी से बढ़ते रहिए। और ये समय ऐसा है कि कोई आपका सगा नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है, हर कोई आपके पास आ रहा है तो वो अपने मतलब के लिए आ रहा है। कोई आपके पास आ रहा है दोस्ती करने के लिए या रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब पे आके लिए आ रहा है। पीछे तो उसका काम गॉसिप ही चल रहा है, पीछे तो उसका काम गॉसिप चल रहा है। ये बहुत हाई टाइम है किसी पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि किसी पर विश्वास करोगे तो फिर चोट खाओगे। जो लेसन्स मुझे लगता है डिवाइन कुछ आपको लेसन सिखा रही है, लीजिए उन लेसन्स को, आप विश्वास ना करिए। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सेंसिटिव टाइम मुझे लग रहा है, थोड़ा नेगेटिविटी मुझे लग रही है, थोड़ी आपके हेल्थ पे मुझे इफेक्ट दिख रहा है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, भगवान पे विश्वास रखिए। दूसरी चीज, आपके पेरेंट्स हो गए हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो गए हैं, इन पे आप विश्वास कर सकते हो, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, मेजरली नहीं धोखा देते हैं। इसके अलावा कोई सगा आपका नहीं, कोई दोस्त पर विश्वास मत करिए वो, क्योंकि दोस्त पर विश्वास किया तो वो बाहर गॉसिप्स हो रही है, फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही घूम फिर कर आएंगे। ठीक है, हालांकि जो गलत कर रहा है, जो गलत हो रहा है, सबको अपने अपनी कर्म भुगतने हैं, लेकिन आप मत करिए। आप एक सोलमेट जर्नी में हो अपने पर्सन के साथ, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, हो सकता है अभी आप अपने पर्सन, अभी आप अपनी लाइफ में इतने परेशान हो, इतने दुखी हो कि आपका ध्यान सोलमेट की तरफ नहीं जा रहा है, आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, अपने ही दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप एक सोलमेट जर्नी में हो, ये जिसका ध्यान रखना। सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जब राइट टाइम आएगा तो आपसे उनका मिलन होगा। इस समय एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का फुल बॉडी चेकअप करा सकते हो, आप योगा शुरू कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज है कि आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ 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 किताबें पढ़ के, कुछ अच्छी किताबें पढ़ के नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ ग्रो करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस लोगों को शेयर कर सको, आप अपनी नॉलेज लोगों को शेयर कर सको। यस, और ये सारी चीज़ों से क्या होगा, आप हो बिल्कुल सही पाथ पर, बिल्कुल गलत नहीं जा रहे हो, सही हो, खुशियां आपके लाइफ में आएंगी, भगवान ने आपकी प्रेयर सुन ली है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, भागो मत, इग्नोर मत करो, जो नेगेटिविटी है वो रिलीज कर दो, क्योंकि आपको पता है ईश्वर आपके साथ है। और ये चीज़ आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर ने आपको कुछ पावर्स भी दी है, यू नो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए या इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट होने के लिए, या इन सब चीज़ों का ज़्यादा नेगेटिविटी का असर आप पे होने ना होने के लिए। आप कहीं ना कहीं डिवाइन हो, आपके अंदर कुछ दिव्य शक्ति है। यस, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जितने जितने मैसेजेस मुझे मिले मैंने बता दिए। आई डोंट नो कितनों से रेजोनेट करेंगे, पर जितना रेजोनेट करेंगे उतना आप लीजिएगा, जो नहीं करेंगे उनको आप इग्नोर करिएगा। एक्सेप्ट करना है आपको चीज़ें। अगर आपको मन में ये दुख है कि आपके ये फ्रेंड ने आपको धोखा दिया या ये फ्रेंड आपके साथ छल कर रहा है, एक्सेप्ट करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, और जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है पास्ट में, उन पर विश्वास मत करिए। और ये तो वैसे भी बहुत हाई सेंसिटिव टाइम है, किसी पर आपको विश्वास नहीं करना है, ना ही आंख बंद करके और ना ही आंख खोल के। ये थोड़ा पीरियड निकलने दो 5-6 महीने का, उसके बाद आप दिल खोल के विश्वास करिएगा सही इंसान पे, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म की वाइब्स हैं
जिसने आपको बहुत तकलीफ दे रखी है और गॉसिप्स आपके पीछे बहुत होती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, इसलिए गॉसिप्स आपके पीछे हो रही है। जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, जो सगे आपको बोलते हैं, उन्हीं को बहुत ज़्यादा जेलेसी हो रही है आपसे। वाओ, हायरोफेंट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ, द टावर, कोई बात नहीं, वाओ वाओ, द स्टार, किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कॉइंस, ओके, एम्प्रेस। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ईश्वर, यू नो, आपके साथ ना एक एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईश्वर आपके साथ है। जजमेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ईश्वर आपको इतने मौके दे रहा है। एक्चुअली ना क्या है, मुझे लगता है बहुत प्योर सोल हो आप, लोगों पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, आप बहुत इनोसेंट हो, लेकिन लोग ऐसे नहीं है ना, इसीलिए ईश्वर आप जितना आपका स्वभाव प्योर है ना, ईश्वर आपका साथ दे रहा है। देखिए, ईश्वर आफ्टर मेनी फेल्यूअर्स आपका साथ दे रहा है, आपकी लाइफ में जजमेंट बार 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 हो रहा है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहा है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, मैं बताऊंगी कार्ड्स को पढ़ के। ईश्वर आपको ये उपाधि देना चाहता है हायरोफेंट की। अब मैं आपको बता दूं हायरोफेंट कौन होते हैं। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं को काउंसलिंग की ज़रूरत होती थी या फिर कुछ जानना रहता था फ्यूचर के बारे में, कि हमें कोई पर्टिकुलर जगह से कहीं से कुछ अटैक तो नहीं हो सकता है, या फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो जैसे हम जाते हैं पंडित जी के पास कि हमारी कुंडली देख लो, पत्री देख लो, उस समय वो हायरोफेंट के पास जाते थे। वो उपाधि होती थी, बहुत बड़ी पोजीशन होती थी हायरोफेंट की, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती थी हायरोफेंट के पास, ठीक है। ईश्वर वो उपाधि आपको देना चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप उस लायक हो। आपका ये लाइफ पर्पस है, आपका ये लाइफ गोल है कि आपको उस पोजीशन पे जाना है। अब आप इसको कैसे भी ले सकते हो, ठीक है, आप जॉब में ले सकते हो, करियर में ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया हायरोफेंट कौन होते हैं। अगर जॉब में होंगे तो ईश्वर चाहते हैं कि आप कंपनी के MD बनो या कंपनी के CEO बनो, आप छोटी पोजीशन पे ना रहो। इसीलिए आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आए हैं। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ना छोटे बड़े टावर मूवमेंट चल ही रहे हैं, आपके लाइफ में छोटे बड़े टावर मूवमेंट चल ही रहे हैं, ताकि आपने जो एक बिल्डिंग खड़ी करी है, आपने तो खड़ी कर दी एक बिल्डिंग, बना दी कि मेरा सब करियर इससे है, मेरा सब कुछ इससे है, मेरी इनकम नॉर्मल आ रही, अच्छी आ रही, मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में। लेकिन ईश्वर नहीं चाहते, ये शायद सही बेस पे नहीं बनाई थी, इसलिए ईश्वर ने आपके लाइफ में टावर मोमेंट ला के इस बेस को तोड़ा है। ईश्वर आपको ना, ईश्वर नहीं दुख दे रहे, आपकी जिंदगी में आपको दुख लगे हुए हैं। हो सकता है आपको आपकी हेल्थ खराब हो सकता है, आपके मानसिक पीड़ा हो रहा हो सकता है आपको दुख इस लेवल तक बर्दाश्त करने पड़ रहे हो जो आपके शायद बर्दाश्त के मतलब बाहर है, या फिर आप नहीं बने हो उतना दुख बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि अब आपके अंदर शायद ये फीलिंग आ रही है कि भैया इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, थर्ड पर्सन की लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी क्यों नहीं है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ, जब PLR सेशंस होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं अपने पास्ट के बारे में, पास्ट बर्थ के बारे में। तो इस धरती पे आने से पहले हो सकता है आपने कुछ बड़े बड़े वादे किए हो अपने स्पिरिट गाइड के साथ मिलके, कुछ बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हम धरती पे आएंगे तो हम ये करेंगे। स्पिरिट गाइड्स आपको रोकते भी हैं उस समय, लेकिन नहीं, आप बहुत प्योर सोल होते हो, आप लर्निंग्स के लिए बिल्कुल तैयार होते हो, तो आप बिल्कुल हाँ भर देते हो। इसीलिए ईश्वर आपको, ईश्वर नहीं दुख दे रहे, मैं कभी नहीं बोलूँगी ईश्वर दुख दे रहा, आपकी लाइफ में दुख पीड़ा है क्योंकि आपने खुद ही चूज़ की है। अब इस पथ पे आपको बढ़ना है, आप प्रेयर्स करिए, प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही है, बहुत क्लियर है। ईश्वर आपको ये, ईश्वर आपको, आप एक स्टार हो, आप समझिए, हो सकता है आप एक स्टार सीड हो, यस, आप एक स्टार की तरह एनर्जी हो, आप में बहुत हीलिंग पोटेंशियल है, आप दुनिया भर को हील कर सकते हो, आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है।
ईश्वर आपको ना बहुत हाई पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हो सकता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो आप उसमें प्योर एथिकल ना हो। ईश्वर चाहते हैं आप एथिकल बनिए। अगर आप एथिकल नहीं रहोगे ना, या आपके अंदर, क्योंकि जो भी आपका कार्य है उस कार्य में लोभ लालच नहीं चलता है, ठीक है, आप अगर लालची रहोगे या आप ज़्यादा ग्रीडी आपको नहीं रहना है, ज़्यादा मटलिस्टिक आपको नहीं रहना है, ईश्वर आप आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी जितना पैसा है उससे कई गुना आप ज़्यादा देंगे, बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक रहना है, फ्यूचर ओरिएंटेड, यस फ्यूचरिस्टिक रहना, फ्यूचर को देख के चलना है, ठीक है। एंड किंग ऑफ कॉइन्स, आप अपनी लाइफ में बहुत सिक्योर्ड लाइफ क्रिएट करोगे, लेकिन किसके बेसिस पे करोगे? ईमानदारी से, एथिकल व्यूज, एथिकल से। और इस समय आपको लर्निंग्स की ज़रूरत है। आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको बहुत कुछ नहीं आ पाता। ये ईगो आपको तोड़नी है। आप नहीं तोड़ोगे ये ईगो, तो ईश्वर बार बार टावर मोमेंट्स ला के आपकी लाइफ में ईगो ऑटोमेटिकली तोड़ते रहेंगे। ईश्वर आपके साथ है, नो डाउट, लेकिन ईश्वर आपको बार बार सुधारते रहेंगे। नॉर्मल लाइफ में ना जजमेंट्स नहीं होते, नॉर्मल लाइफ में ईश्वर मौके नहीं देते, नहीं देते ईश्वर मौके। जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बहुत लेसन्स आपको दिए जा रहे हैं, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी बार बार आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है, ठीक है। आप हो सही पाथ पे, बिल्कुल सही पाथ पे हो, लेकिन लेसन्स लेके आगे बढ़ना है। किससे कितना शेयर करना है, कितना नहीं शेयर करना है, किस पे कितना ट्रस्ट करना है, मुझे एथिकली आगे बढ़ना है तो मुझे कैसे बढ़ना है। सिर्फ बाहर से कोटिंग करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से मजबूत बनिए, उसके बाहर बात जो है बाहर ऑटोमेटिकली शील्ड बनती रहेंगी, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक बनिए, फ्यूचर गोल ओरिएंटेड बनिए। यस, ईगो आपको तोड़नी है। आपके अंदर मुझे लगता है बहुत कई चीज़ों की ईगो है, क्योंकि वैसे भी नंबर 8 का कार्ड है, सैटर्न का प्लैनेट है, तो चीज़ों में डिले भी होगा आपके, नो डाउट चीज़ों में काफ़ी डिले होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी है पहली चीज़, और जो ईगो है, अननेसेसरी ईगो को बिल्कुल हटा देना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अल्टीमेटली डिवाइन यही चाहता है आप क्या बनो। सब मेजर अरकाने के कार्ड से देखिए, माइनर अरकाने के नहीं है, कोर्ट कार्ड्स आए हैं, कोर्ट कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाने के कार्ड्स हैं। डिवाइन क्या चाहता है? डिवाइन ये चाहता है कि आपको बहुत बड़ी उपाधि डिवाइन देना चाहते हैं अपनी तरफ से। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स, इसको लेना आपको होगा। मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, पॉजिटिव होके चलिए। आपको स्टार लाइक क्वालिटी, स्टार लाइक पर्सनालिटी ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ क्वींस, आप इतनी पावरफुल हो, इतनी अबंडेंट हो, आपके अंदर हीलिंग पोटेंशियल है, आपके अंदर हीलिंग कैलिबर है, नेचर से कनेक्टेड हो, नेचर से जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ईश्वर आपको एनलाइटमेंट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो। भगवान का नाम लेते जाइए, भगवान के सामने हाथ जोड़ते जाइए, भगवान आपके साथ है, आगे भी भगवान आपके साथ रहेंगे। एक इंट्यूटिव मैसेज आया, ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए। दिन में हैबिट डालिए, 3 बार आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। किनको पे करना है? गॉड गॉडेसेस को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को, सारे आर्कएंजल्स को, एंजल्स को, अपने गुरुज को, अपने पेरेंट्स को, एंड हर उस चीज़ को जो आपकी लाइफ में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।